हे गाइस, वेलकम टू प्रिंस एकेडमी। मैं हूँ प्रिंस और आज की वीडियो में बात करेंगे सॉइल्स के बारे में। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे वीडियोज़ जो है एजुकेशन वाली वीडियोज़ जो है अपलोड नहीं हो रहे थे बिकॉज ऑफ कुछ रीजंस था इस वजह से। और आज से मैं सोच रहा हूँ कुछ जियोग्राफी का बेसिक चीज़ जो है मैं आपको बताऊँगा, आपको सिखाऊँगा, ठीक है। तो आपको जैसा पता है, जो आज जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो सॉइल्स हैं। सॉइल्स जो है वन डे एग्जाम्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो ही जाता है और साथ साथ बेसिक नॉलेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि क्लास 6th, 7th, 8th, 9th, 10th सारे स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसी चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोग सभी के लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हो, ये माउंटेन सॉइल्स हो गया, रेड सॉइल्स हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, लैटेराइट सॉइल हो गया, एलुवियल सॉइल हो गया, डेजर्ट सॉइल हो गया। एलुवियल सॉइल मेनली दिस रीजन से पाया जाता है, ठीक है, हो गया यूपी, बिहार, झारखंड, ठीक है। ब्लैक सॉइल दिस रीजन्स में, रेड सॉइल दिस रीजन्स में, माउंटेन सॉइल दिस रीजन्स में, डेजर्ट सॉइल इस रीजन्स में, ठीक है। चलो कुछ सॉइल्स देख लो। तो सॉइल इज द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। सॉइल इज द मीडियम इन विच प्लांट ग्रो एंड दस इट सपोर्ट द लिव्स ऑन अर्थ। अ नंबर ऑफ फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द सॉइल फॉर्मेशंस एंड फर्टिलिटीज। वेरियस फैक्ट फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर्स, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर एक्सेट्रा, ठीक है। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। और मैं आपको ये भी बता दूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ समझाने वाली है नहीं, जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसकी आप नोट्स बना लो, एंड ट्रस्ट मी आपको इससे ज़्यादा बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और जो भी सॉइल से क्वेश्चन आएगा आप उसको 100% करके आओ एग्जाम्स में, ठीक है। तो उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं वो भी आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे पैरेंट रॉक हो गया, द रॉक फ्रॉम विच द सॉइल इज फॉर्म्ड, डिकम्पोजिशंस एंड डिसइंटीग्रेशंस ऑफ द पैरेंट रॉक अंडर द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रॉक इन्फ्लुएंस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल, एग्जाम्पल्स लावा रॉक, ब्लैक सॉइल्स एंड आयरन ऑक्साइड, रिच रॉक्स रेड सॉइल। क्लाइमेट देख सकते हो, इन्फ्लुएंस इन द रेट ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स, स्लोप द नेचर ऑफ रिलीफ एंड स्लोप इन्फ्लुएंस and the accumulations of the soil, that is why the mountains have thin soil cover but the plains have thick soil cover। यहाँ से आप लोग time देख सकते हो, ठीक है। तो अब types of soil found in India, तो सबसे पहला soil है हमारा, यहाँ से पहले आप लोग ये देख लो, जैसे कि मैंने पिछले slide में आपको दिखा चुका हूँ किस regions में कौन सा soil पाया जाता है। आप लोग यहाँ से screenshot ले सकते हो या pause करके आप यहाँ से map देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहला soil हमारा आता है alluvial soil, ठीक है। फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर वैलीज, फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टास, हाईली फर्टाइल रिवर एंड सॉइल, ठीक है। लार्जेस्ट टैग लगे सतलज, गंगा प्लेन्स, लेस कनेक्शन विथ पैरेंट मटेरियल्स, रिच। ये जो चीज़ है ना आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो रिच इन पोटैश बट डेफिशियंट इज नाइट्रोजन्स एंड ह्यूमस कंटेंट, गुड फॉर बोथ राबी एंड खरीफ क्रॉप्स, इन डेल्टा रीजन्स दे आर आइडल फॉर जूट कल्टिवेशंस, बेस्ट फॉर सीरियल्स एंड पल्सेस, खादर डिपोजिटेड बाई द फ्लड एनुअली, नन पोरस, क्लेली एंड लोमी। भांगर आप लोग देख सकते हैं, अबव फ्लड लेवल्स वेल ड्रेन्ड, ठीक है। फॉर्म 22.16% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री, ठीक है। आपको इससे ज़्यादा बाहर कभी आएगा ही नहीं। आप लोग यहाँ से आप लोग नोट्स बना सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने मोबाइल में। तो अब देख लो कुछ बेसिक चीज़, जैसे तिब्बतन प्लेट्यू, यहाँ से आप लोग देख सकते हो मैप, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, हिमालयस, भाभ, तराई, खादर, भांगर, रिवर प्लेन, ठीक है। अब जैसे इस रीजन्स में एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं मेनली, मैंने आपको मैप में भी मैप प्रोवाइड भी कर दिया हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे तरीके से आ जाए। अब दूसरा सॉइल हमारा आता है ब्लैक सॉइल, ठीक है। फाउंड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, मेनली फाउंड इन द डेकन प्लेट्यू, ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल्स और रेगर सॉइल। ब्लैक कॉटन इज ड्यू टू इट्स आयरन कंटेंट डिराइव फ्रॉम द प्लूटोनिक लावा मटेरियल्स, रेसिड्यूअल टाइप ऑफ सॉइल, डेफिशियंट इन ऑर्गेनिक कंटेंट, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन्स, ठीक है। आप लोग यहाँ से देख पा रहे हो, ये मेनली इस रीजन में ब्लैक सॉइल्स पाए जाते हैं। तो रिच इन लाइम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशिया हो गया, अल्यूमिनियम हो गया, हाईली क्लेली एंड इम्पॉर्मिएबल, हाईली मॉइस्चर रिटेंटिव, प्लग्ड इन ड्राई सीजन्स एज एन ऑन इवेपोरेशन, क्रैक्स डेवलप फॉर बेटर स्पीड पेनिट्रेशंस, ठीक है, सीड पेनिट्रेशंस। एंड रीजन्स देख सकते हो यहाँ पे, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, एमपी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु हो गया। फॉर्म 16.6% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री, ओके। तो रेड सॉइल फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ इग्नीशियस, ठीक है, लेस फर्टाइल देन एलुवियल एंड ब्लैक सॉइल, लैक्स वाटर रिटेंटिव कैपेसिटीज, रेडिश इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, लुक्स येलो इन हाइड्रेटेड फॉर्म्स, ट्रांसपोर्टेड सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल, डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन्स, लाइम, मैग्नीशिया, ह्यूमन एंड फॉस्फेट, ओके। तो आप लोग देख पा रहे हो इस रीजन्स में रेड सॉइल पाया जाता है। तो अब रिच इन पोटैश बिकम्स फर्टाइल विथ rich in potash becomes fertile with proper use of fertilizers and irrigations, are porous, ठीक है, and favorable nature regions देख लो यहाँ पे, periphery areas of Deccan plateaus via छोटा नागपुर plateaus,
तेलंगाना, नीलगिरीज, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ मिलेट, पल्सेस, लिंसेड, टोबैको फॉर्म्स 10.6% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री। ओके, तो अब लैटराइट सॉइल देख लेते हैं। तो लैटराइट सॉइल फॉर्म्स अंडर द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर्स एंड हैवी रेनफॉल विद अल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई पीरियड। Thus, its formation takes place strictly under the monsoon conditions, formed by the leaching away of silicious matters. ठीक है, humus content of the soil is fast removed by the bacteria which thrive well in high temperatures. Residual types of soil formed by the leaching in area of heavy rain. तो आप लोग इस रीजन में देख पा रहे हो, जैसे कि यहाँ पे आप लोग मेंशन है, आप लोग यहाँ से देख लो लैटराइट सॉइल किस रीजन से पाया जाता है। ठीक है, तो मेनली फाउंड इन हाईलैंड प्लेट्यू विद हाई रेनफॉल, नॉट यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर्स एक्सेप्ट फॉर प्लांटेशन क्रॉप्स लाइक टी, रबर, कॉफी, कैश्यू, यूज एज बिल्डिंग मटेरियल्स एंड इन मेकिंग ब्रिक्स। एरिया ऑफ कोर्स टेक्सचर विद सॉफ्ट एंड फ्रीएबल नेचर्स, पुअर इन लाइम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ह्यूमस कंटेंट, रिच इन एल्युमिनियम। रीजन्स देख लो, मेघालय हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, हिली रीजन्स ऑफ असम हो गया, राजमहल हिल्स एंड छोटानागपुर प्लेट्यू फॉर्म 7.2% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब सेलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल फाउंड इन द एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशंस अलॉन्ग विद द वाटर लॉस एरिया, हाईली सेलाइन ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, पुअर ड्रेनेज एंड हाई इवेपोरेशंस, इनफर्टाइल्स एंड डज नॉट सपोर्ट इन वेजिटेटिव ग्रोथ, फाउंड इन बिहार, राजस्थान, यूपी, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र। सैलिनिटी ऑल्सो कॉज ड्यू टू द एक्सेसिव इरीगेशन इन ड्राई कंडीशन विच प्रमोट कैपिलरी एक्शंस। ठीक है, आप यहाँ से देख लो सेलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल। ठीक है, अब हम लोग एरिड सॉइल पे आ जाते हैं। फाउंड इन द एरिया ऑफ रेनफॉल, ठीक है, सैंडी पोरस कोर्स ऑन रिच इन सॉल्ट, जनरली सेलाइन ड्यू टू द हाई इवेपोरेशन, कवर्ड विद थिक ब्राउन मेंटल विद इनहैबिटेड सॉइल ग्रोथ, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ग्राउंड रॉक बाय डिपोजिशन ऑफ वाइवेंट। एक्चुअली फर्टाइल वाटर बींग यू ओनली लिमिटिंग फैक्टर्स, सीरियस ग्रोन आर ज्वार, बाजरा, रागी, सीड्स। ठीक है, फॉर्म्स 3.9% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री। अब जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ये वाली पोर्शन जो है एरिड सॉइल। ठीक है, तो आप माउंटेन सॉइल देख लो, प्रोन टू सॉइल इरोजन, टॉप सॉइल गेटिंग वॉस्ट अवे ड्यू द स्टेप स्लोप ऑफ द माउंटेन्स आफ्टर द हैवी रेनफॉल। दीज सॉइल्स आर मोस्टली थीन एंड इनफर्टाइल, इंक्लूड पीट एंड द फॉरेस्ट हिल सॉइल्स, रिच इन ह्यूमस बट डेफिशेंट इन पोटास, फॉस्फोरस एंड लाइम्स, जनरली लोमी, सिल्टी एंड वैली साइड ऑफ द कोस्ट इन द अपर स्लोप्स, यूजफुल फॉर टी, कॉफी, स्पीसेस एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स। रीजन्स देख लो आप माउंटेन सॉइल का, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, असम, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो यहाँ इस रीजन में माउंटेन सॉइल मेनली पाया जाता है, दिखा जाता है। ठीक है, अब पी टी एंड ऑर्गेनिक सॉइल देख लो, फाउंड इन हाई रेनफॉल, हाई ह्यूमिड एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरला, रिच इन ह्यूमस, ऑर्गेनिक कंटेंट, समटाइम्स अल्कलाइन टू। ठीक है, सैलिनिटी ऑफ सॉइल यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, क्रॉप रोटेशन इन्वॉल्विंग इतना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग फिर से मैंने मैप डाल दिया ताकि आप अच्छे तरीके से देख लो।